17 जनवरी 2020 के दिन जब ट्विटर पर इलोन मस्क से पूछा गया कि मार्स पर 10 लाख इंसानी आबादी साल 2050 तक बना पाना पॉसिबल है, तो जवाब में उन्होंने इसका आंसर पॉजिटिवली हाँ कहकर दिया। मतलब आज से 30 साल के अंदर 10 लाख लोग मार्स पर रहेंगे। लेकिन क्या ये सच में संभव हो पाएगा? तो सच्चाई जानने के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर रियलिस्टिक वे में पता लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को। तो मार्स यानी मंगल ग्रह धरती से एवरेजली 10 करोड़ मील दूर मौजूद है और धरती से वहां पहुंचने के लिए हमें 6 से 8 महीनों का समय लगने वाला है। मतलब आने जाने में ही टोटल 1 साल का समय लग जाएगा। तो मार्स पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए स्पेसएक्स का सबसे एडवांस रॉकेट स्टारशिप का इस्तेमाल करना होगा। इस रॉकेट को साल 2018 से बनाया जा रहा है और इसे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक रियूजेबल रॉकेट है। तो ये रॉकेट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके नीचे के हिस्से को सुपर हेवी बूस्टर कहते हैं, जो रॉकेट को धरती से ग्रेविटी के विपरीत निकलने में मदद करेगा, और इसका ऊपरी हिस्सा जिसमें इंसान रहेंगे, जो 100 टन से ज्यादा वेट को धरती से बाहर ले जाने में कैपेबल होगा। तो लॉन्चिंग के बाद रॉकेट के नीचे का हिस्सा मेन पार्ट से अलग हो जाएगा, क्योंकि पूरे रॉकेट को धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाने में ही नीचे के रॉकेट का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। और मार्स मिशन को कंटिन्यू करने के लिए स्टारशिप के साथ एक दूसरे रॉकेट को जोड़ देना होगा, जो मिशन को कंटिन्यू रख सके। ये तो हुआ पहला प्रॉब्लम। दूसरी तरफ हमारी धरती जिस तरह गोल गोल सूरज का चक्कर लगाती है, मार्स उस तरह धरती का चक्कर नहीं लगाता। मार्स थोड़ा सा अंडे के शेप के ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाती है और पूरे 26 महीने यानी लगभग हर 2 साल में एक ऐसा समय आता है जब मंगल और धरती की दूरी सिर्फ 3.3 करोड़ किलोमीटर की होती है, और कभी कभी ये दूरी 25 करोड़ मील तक भी जा सकती है। तो ये मिशन हर 2 साल में तभी करना चाहिए जब मंगल और धरती बिल्कुल एक दूसरे के करीब आने ही वाला हो, और ये मीटअप होने के कुछ दिन महीने या पहले ही इस रॉकेट को लॉन्च करने से काफी करोड़ किलोमीटर की दूरी का सफर हम अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह तक पहुंच भी गए, फिर इसके बाद हमारे पास धरती पे वापस आने के लिए फ्यूल बचेगा ही नहीं। तो जो भी मार्स तक सबसे पहले पहुंचेगा, उन्हें पहुंचते ही वहां फ्यूल उत्पन्न करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी होगी। जो रॉकेट इंसानों को मंगल में भेजेगा, उसके फ्यूल में मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्स पर पहुंचने के बाद हमें वहां से मीथेन यानी CH4 जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, और वही दूसरी तरफ लिक्विड ऑक्सीजन के लिए जरूरी ऑक्सीजन, ये 3 चीजों को हमें उसी प्लेनेट पर बनाना होगा। लेकिन ये कर पाना मार्स जैसे प्लेनेट पर एक्चुअली पॉसिबल है, क्योंकि धरती की तरह मंगल ग्रह के दोनों पोल्स पर आज भी बर्फ जमा हुआ है, और वही दूसरी तरफ मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर पर भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन और ऑक्सीजन, और वही दोनों पोल से H2O यानी पानी। तो CH4 का C कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, और वही हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में रहता है, ये तो आप सब जानते ही है। अब बस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को बनाना होगा। मगर इस कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस को अंजाम देने के लिए हमें चाहिए होगा भरपूर मात्रा में एनर्जी। तो स्टारशिप के पूरे टैंक को फिल करने के लिए 16 GWh जितनी पावर की जरूरत होगी, जिसे मंगल पर रहकर ही बनाना पड़ेगा। मंगल पर सबसे शॉर्टकट रास्ते से जाने का मौका सिर्फ 26 महीने में एक बार ही मिलता है। तो अगर इन 26 महीने के अंदर हमें 16 GWh जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो हमें कॉन्स्टेंटली 1 MW इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी होगी। और इतनी एनर्जी को अगर हम आज की तारीख में सोलर पैनल्स के थ्रू उत्पन्न करना चाहे, तो उसके लिए 10 बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी एरिया में फैला हुआ सोलर पैनल्स इस्तेमाल करना होगा। तो कहा जा रहा है कि साल 2025 के अंदर पहला ह्यूमन मार्स मिशन होगा, और टारगेट है 2050 का। मतलब दोनों सालों के बीच का गैप 25 साल, कैलकुलेशन में आसानी के लिए 24 साल पकड़ लेते हैं। तो टोटल है 24 साल, और शॉर्टकट में मंगल ग्रह पे जाने का मौका हर 2 साल में एक बार ही मिलेगा, यानी 24 में से सिर्फ 12 बार ही हमें मंगल ग्रह पर शॉर्टकट के थ्रू जाना होगा। इलोन मस्क ने हमें पहले भी हिंट दिया है कि हर एक अटेम्प्ट में वो एटलीस्ट 1000 रॉकेट्स मार्स पर भेजेंगे, और 10 लाख के फिगर को मैच करने के लिए रॉकेट पर कम से कम 100 इंसानों को सेंड किया जाएगा, यानी 1000 रॉकेट इनटू 100%, यानी टोटल 1 लाख लोग मार्स पर हर 2 साल के गैप में जाएंगे। और सिर्फ ऐसे मैथमेटिकल कंडीशन में ही हम 2050 तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को मंगल पर बसा पाएंगे। लेकिन इन सब में हम एक बात भूल रहे हैं, जब इतने इंसान एक के बाद एक करके मंगल पर जाएंगे, उनके सफर के दौरान खाना, कपड़ा और दूसरी चीजों के लिए कार्गो मिसाइल्स भी छोड़ना होगा। इलोन मस्क के मुताबिक हर एक रॉकेट शिप जिसमें इंसान जाएंगे, उसके अगेंस्ट कम से कम 10 कार्गो स्टारशिप्स को उनके सपोर्ट के तौर पर छोड़ना होगा। तो उस केस में आप समझ ही सकते हो कि पूरे 25 सालों में ये एक्स्ट्रा छोटे कार्गो स्टारशिप भी 1 लाख से ज्यादा लॉन्च करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन को सिंपल करें, तो कार्गो और नॉर्मल ह्यूमन रॉकेट को मिलाकर हर अटेम्प्ट पे टोटल 8,333 शिप्स को मार्स पर भेजना होगा। इसके अलावा उन रॉकेट्स को बीच रास्ते में रिफ्यूल करने के लिए एडिशनल और भी रॉकेट्स छोड़ना होगा, जिसे हमने इस कैलकुलेशन में इंक्लूड भी नहीं किया है। और इन स्टारशिप्स को बनाने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। अगर हम आज से ही 2 स्टारशिप्स हर हफ्ते में बनाते हैं, तो उस केस में भी 2050 तक सिर्फ 3,000 स्टारशिप ही बना पाएंगे, जो हमारे जरूरत के आंकड़े से बहुत ही कम है। और इन सारे रॉकेट्स को बनाने में पैसा बिलियन में नहीं बल्कि ट्रिलियन में चाहिए होगा। तो अगर आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर सोचा जाए, तो 1 लाख लोगों को 3.3 करोड़ माइल्स की दूरी सिर्फ 25 सालों में पूरा कर पाना काफी हद तक नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ी चेंजेस और ग्रोथ आई, तो सिर्फ उसी केस में हम 2050 तक मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर टेक्नोलॉजी में कोई उतना बड़ा इनोवेशन नहीं हुआ, तो उस केस में भी हम भविष्य में मार्स पर इंसानी बस्तियां जरूर बसा पाएंगे, मगर वो 2050 नहीं बल्कि उसमें 100-200
सालों का ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो, मगर होगा जरूर। तो जिन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें चाहिए होगा वो है मिसाइल बनाना, लेकिन बहुत ही कम कॉस्ट में। दूसरा, रॉकेट को बहुत ही जल्दी बनाना। तीसरा, बहुत ही कम समय में मंगल तक पहुंचना। ये तीन प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर पाए तो 2050 तक मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या इलोन मस्क 2050 से पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा इनोवेशन करेंगे जिससे कि हम 2050 तक ही मंगल पर बस पाएंगे, या फिर इसमें अभी 100 सालों से भी ज्यादा समय लगने वाला है? इसके बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर